टोटल मतलब यहाँ तक आने में कितना खर्च हुआ आपका? 35,000 रुपए। 35,000। एक दिन में बंदे का जॉब लग गया और अभी अच्छा कंपनी है, इंडियनी कंपनी है, जॉब भी बहुत अच्छा है, एसीटी जो इनको मतलब स्किल था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अहमद दुबई ब्लॉग्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप इंडिया में हो तो आपको दुबई कैसे आना है विजिट वीजा पे और क्या खर्चा पड़ेगा, कैसे यहाँ तक पूरा आना है वो पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरे साथ में एक भाई है दीपक भाई, जो अभी कुछ ही दिन पहले लगभग 15 दिन पहले वो दुबई आए हैं विजिट वीजा पे जॉब सर्च करने के लिए। उनको ऑलरेडी जॉब मिल चुका है, उनसे आपको मिलाता हूँ। हाँ दीपक भाई, कैसे हो? अच्छे भैया। और कहाँ से हो आप? हम कोलकाता से। कैसे दिमाग में आया कि मतलब दुबई जाना है? तो फिर वही, फिर आपका वीडियो देखे, फिर आप हेल्प किए। अच्छा। अब उसके बाद बताए, जब मैसेज करे तब रिप्लाई दे रहे थे। हाँ। उसके बाद फिर आप हेल्प किए तो फिर मतलब समझ में आया, चल उतना मुश्किल नहीं है। फिर सोचे कुछ दिन बाद मतलब कि अब बताए इस टाइम पे आना है। उसके बाद फिर हम विजिट वीजा निकाले। कहाँ से निकाले थे विजिट वीजा? विजिट वीजा हमको ट्रैवल एजेंसी से निकाले। अच्छा। कोलकाता से ट्रैवल एजेंसी से सर्च किए गूगल पे। हाँ। तो कितना लगा था विजिट वीजा में? 14,500 लगा था। और दो महीना का टिकट अप डाउन दोनों रिटर्न। हाँ। मतलब टोटल मतलब यहाँ तक आने में कितना खर्च हुआ आपका? 35,000 रुपये। 35,000 रुपये मतलब यहाँ तक पहुँचे। इंश्योरेंस लगा था, मतलब सब कुछ में इंक्लूड था ना, इंश्योरेंस वगैरह, होटल बुकिंग, उसके बाद रिटर्न डमी टिकट हो गया, सब कुछ मतलब उसी में इंक्लूड। डमी टिकट नहीं, डमी टिकट से आदमी फंस जाता है। अच्छा, मतलब रियल होना चाहिए। अच्छा, रियल टिकट था कि वो मतलब कैंसिल कर दिया? फिर यहाँ जैसे यहाँ पहुँचे वो वहाँ पर कैंसिल कर दिया, उसका कुछ चार्ज लिया होगा ना फिर? हाँ, उसके लिए जो कैंसिलेशन चार्ज आता है 5,000 रुपये और 1,000 रुपये एक्स्ट्रा लेता है। अच्छा, मतलब टोटल मतलब 35,000 लगा आपको यहाँ मतलब पर आने में। कोई कोई ट्रैवल एजेंसी ऐसा रहता है मतलब कि है, एक तो GRV बोल के ट्रैवल एजेंसी बहुत अच्छा है। अच्छा, वो हमसे पूरा पैसा भी नहीं लिया रिटर्न टिकट का। अच्छा। वो कैंसिलेशन, वो अपना पैसा लगाया, बोला कैंसिलेशन चार्ज से हमको 1,000 रुपये दे देना तुम, और रिटर्न डमी टिकट निकाल दिया। उसके बाद क्या है कि वो सिर्फ कैंसिलेशन चार्ज ही लिया हमसे। अच्छा। वो लेता है और एक दिन यहाँ आने बाद एक दिन बाद कैंसिल कर देता है। सबसे पहले बताइए कि जब एयरपोर्ट पर जब आप पहुँचे थे वहाँ कोलकाता एयरपोर्ट में, तो एयरपोर्ट में क्या क्या पूछता है इमिग्रेशन? एयरपोर्ट पे तो पहले बहुत डर लगा हुआ था। अच्छा। आप अपना आईडी भेजे। अच्छा, तो एयरपोर्ट में क्या क्या पूछा था? तो बोर्डिंग पास लेने के लिए जब गए इमिग्रेशन में। अच्छा। हाँ। तो वहाँ पूछा, दिए अपना पास, उसने कुछ पूछता भी नहीं है। अच्छा। तो आपको हम बोले थे कि मेरा आईडी रख लो, लेकिन लड़का बंदा को रहना चाहिए फॉर्मल कपड़ा में। अच्छा। हाँ। मतलब मेरा सामने एक आदमी को इजेक्ट किया है। अच्छा, सामने का आदमी को इजेक्ट कर दिया था। मतलब कि बैग उग लेके था। हाँ। वो मतलब फॉर्मल कपड़ा में, बंदा अगर विजिट वीजा पे है तो फॉर्मल कपड़ा में रहो, मतलब ऑफिस टाइप का, मतलब पूरा मतलब कि घूमने के लिए जा रहा, मतलब पैसा वाला लगना चाहिए उसको। हाँ। पूरा फॉर्मल कपड़ा में, गरीब नहीं दिखना चाहिए, मतलब गरीब दिखना ही नहीं चाहिए। गरीब दिखेगा तो रिजेक्ट, गरीब दिखेगा तो मतलब रिजेक्ट कर देगा, है ना। और बैंक में तो कम से कम पैसा तो दिखता नहीं है, हम तो सुने तो दिखता, लेकिन पैसा कुछ दिखता नहीं, पैसा वगैरह नहीं पूछता, रिटर्न टिकट देखता है, होटल बुकिंग देखता है। अगर आप बोल दिए कि मतलब आप मेरा कोई दोस्त वगैरह है, तो फिर वो आईडी फिर मांगे? आईडी मांगे, आईडी 100% मांगे। वो मेरा फिर आईडी आपको मांगा था। हाँ, तो आप मेरा जब आईडी दिखाए थे तो क्या बोला था? एग्जिट टाइम पे भेजे थे 5 मिनट पहले। अच्छा। हाँ। तो मेरा बहुत बड़ा काम कर गया था। अच्छा, वही आईडी दिखा दी बस, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। वो कहाँ पहुँचे थे? दुबई एयरपोर्ट। दुबई एयरपोर्ट आप तो बताए थे, दुबई एयरपोर्ट। हाँ। वहाँ से निकल के फिर वहाँ से फिर कैसे आप मतलब अपना डेस्टिनेशन पहुँचे? फिर वहाँ से निकले तो मतलब निकलते साथ फिर हम मेट्रो लिए। अच्छा। वहाँ से कुछ लगा अंदर से, थोड़ा सा लगा कहाँ जा रहे, कहाँ आ गए, फिर लगा बहुत अच्छा, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, एक चीज हिम्मत नहीं हारना चाहिए। उसके बाद मेट्रो लिए, उसके बाद आप बताए थे यूनियन जाना, लेकिन आदमी अगर फर्स्ट टाइम आए तो जाए डेरा, वही दुबई डेरा। हाँ, यूनियन में ही पड़ता है। थोड़ा सोच के वहाँ पे बहुत सारे चिड़ीमाज लोग भी रहता है, फ्रॉड भी होता है, लेकिन बहुत सारे अच्छे भी है। अच्छा, तब जब यूनियन जब पहुँचे थे दीपक भाई, कि वहाँ से फिर वहाँ से आप कहाँ गए थे? वहाँ से फिर हम निकल के डेरा गए। अच्छा। दुबई डेरा सात मदीना। हाँ। सात तो वहाँ पे मतलब जो रूम लिए थे वहाँ पर क्या प्रोसेस था रूम का? रूम का प्रोसेस तो हमको बहुत अच्छा आदमी मिल गया था, समझे, तो इसलिए मेरा बहुत कम पैसा लगा। कितना लिया था वो? 10 दिरहम। एक दिन का 10 दिरहम? एक दिन का 10 दिरहम। अच्छा, उसका नंबर होगा ना आपके पास? हाँ, नंबर है। जो भाई बता रहे हैं कि 10 दिरहम लगता है एक दिन का, वो दुबई डेरा में बहुत सा रूम होता है, दुबई डेरा में प्लस शारजा भी ऐसा होता है कि एक दिन का 10 दिरहम देता है। मगर दुबई आप आ रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो वो मैं नंबर जो है मैं डाल दूंगा, वो एक दिन के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे अभी आप आए दुबई में जॉब सर्च करने के लिए, मतलब 1 वीक, 15 दिन, 20 दिन के बाद आपको जॉब लग गया, जैसे अभी 10 दिन के बाद ही जॉब लग गया, तो फिर आप पैसा आपका पूरा वेस्ट हो जाएगा। जैसे जॉब लगने के बाद यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी कंपनी जो होती है ना, वो आपको तुरंत दे देगा अकोमोडेशन, तो वो जो पैसा आप जो ऑलरेडी पे कर, वो क्या होगा, डायरेक्ट पूरा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आप डायरेक्ट वो डेली बेस का जो रूम पे लेंगे ना, वो क्या होता है कि आप 10 दिन रहे, 10 दिन का पैसा दिए, उसके बाद फिर आप पल्टी मार लिए वहाँ से। उसका नंबर मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। रूम लिए थे तो कितना दिन वहाँ पर रहे थे आप? वहाँ पे हम 2 दिन रहे। दो ही दिन मेरा जॉब मिल गया। और अच्छा। आप तो गाइड कर ही रहे थे। हाँ। मेरे लिए सबसे बड़ा था आप ही,
अगर अहमद भाई को अगर भाई फॉलो करता है यूट्यूब पे, अगर लाइक करता है, तो अहमद भाई का भरोसा से मत आना, वही सब कुछ कर देंगे वो, तुमको ऐसा गाइड करेंगे कि तुमको मतलब कि अगर अंदर में है कुछ तो फिर मंजिल मिलेगा ही। संडे को आए थे ना, संडे को आपका फ्लाइट था, एक 1:40 में रात में मेरा फ्लाइट था। हाँ, मंडे को आप मतलब यहाँ पहुँचे, मंडे को सुबह 6 बजे तक पहुँच गए। इंटरव्यू कब था आपका? मेरा इंटरव्यू था, बस खोजना पड़ा, एक दिन बाद था, मंगलवार को था। उसके बाद आपको उसी दिन सिलेक्शन हो गया? उसी दिन मेरा सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू हुआ था, HR से पहले हुआ, उसके बाद फिर इंटरव्यू क्लियर हो गया। तो अच्छा, आप कौन सा काम करते हैं? हम AC टेक्नीशियन हैं। अच्छा, तो सैलरी कितना लगाया अभी स्टार्टिंग में? सैलरी मेरा लगाया 1500 दिरहम लगाया है। 1500 दिरहम सैलरी लगाया मेरा, और बढ़ जाएगा, अभी फाइनल नहीं हुआ। और मेरा, अगर आपके पास स्किल है दुबई में, अगर आप दुबई आ रहे हो, अगर आपके पास स्किल है, स्किल का मतलब जैसे हो गया अभी आपके AC का काम करते हो, या फिर आप इलेक्ट्रिशियन हो, या प्लम्बर हो, या फिर आप टेलर मास्टर हो, और जितना भी स्किल जो होता है आपके पास, कोई भी स्किल अगर आपके पास है ना दुबई में, आपको भटकने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको यहाँ पे जितना जल्दी होगा आपको जॉब मिल जाएगा इंशाल्लाह। दीपक भाई का एक दिन में आए, लगभग संडे को यहाँ पर उनका फ्लाइट था, मंडे को यहाँ पहुँचे, ट्यूजडे को इनका आराम से जॉब मिल गया है ना दीपक भाई? उसके लिए मेहनत करना पड़ा। हाँ, जब वहाँ से जब यहाँ आ रहे थे दुबई, तो पूरा सर्च किया होगा ना कंपनी के बारे में? हम कंपनी इंडिया से सर्च करके इसको आए थे। अच्छा, पूरा कंपनी जितना भी मतलब दुबई में जो जो कंपनी है AC का, वो पूरा सर्च कर लिए थे आप? मतलब इसको, ई कंपनी को फॉलो हम इंडिया से ही किए थे। अच्छा, उसके बाद मतलब डायरेक्ट आप यहीं पे डायरेक्ट ऑफिस में उसका अपना CV जमा कर? मतलब नहीं, फिर क्या हुआ कि हम उसको रात में उसको मैसेज किया था वेबसाइट पे, इंस्टाग्राम पे किए थे, तो हमको बोला था कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करो, अपना CV पहले भेजो। CV देखने के बाद अपना मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मांगा, अपना लोकेशन भेजा। अच्छा, इंटरव्यू का टाइमिंग फिक्स हुआ, HR का नंबर दिया, डायरेक्ट इंटरव्यू हो गया। फिर अभी आप ड्यूटी जा रहे हैं, है ना? तो जैसे अभी भाई को देखिए, एक दिन आए मंडे को, मतलब यहाँ पहुँचा मंडे, आराम भी नहीं किया बंदा ये, जैसे मंडे को पहुँचा मेरे से कॉन्टेक्ट में था पूरा, वहाँ से फिर उसी टाइम बैग रखा, हल्का फल्का फ्रेश हुआ, उसी टाइम निकल गया अपना CV लेकर जॉब खोजना स्टार्ट कर दिया। और ट्यूजडे को भाई का जॉब लग गया, एक दिन में दुबई में जॉब लगना, मतलब आप जितना भी आप चैनल देखोगे यूट्यूब पे वीडियो, जितना भी वीडियो देखोगे, एक दिन पे विजिट वीजा का बंदा जल्दी जॉब नहीं लगता है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं जॉब खोजने के लिए, वो कम से कम महीना 2 महीना जरूर भटकता है, बट दीपक भाई का किस्मत बोलिए या कुछ भी बोलिए, भगवान का कृपया है या कुछ भी बोलिए, एक दिन में बंदे का जॉब लग गया। और अभी अच्छा कंपनी है, इंडियन ही कंपनी है, और जॉब भी बहुत अच्छा है। ACT जो इनको मतलब स्किल था इंडिया में काम था, वही सेम काम यहाँ पे दुबई में इसको मिल गया। सबसे बड़ा कृपा तो आपका था जो आप गाइड किए, आज हम मतलब फंस गए रहते हैं, समझे? तो वो तो या तो फिर इंडिया में ही रहते, लेकिन क्या है कि आपका ऊपर आप गाइड किए, हम आपका भरोसा बैठे नहीं कि अहमद भाई भी सब कुछ मेरा करवा देंगे, लेकिन मतलब आप हेल्प किए वही बहुत बड़ा। ID जो भेज दिया, मतलब फोन से तो सारा हेल्प किए हैं। बहुत से लोग डायरेक्ट मैसेज करते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे कि अहमद भाई आप मेरा जॉब लगवा दो वहाँ पे, यहाँ पे आपको कोई बंदा भी आपको जॉब नहीं लगाएगा, अगर आपके पास स्किल है तो ही आपको मतलब यहाँ पे जॉब मिलेगा, तो खुद से आपको जॉब यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। हाँ, कभी कभी मतलब उस टाइप का वैकेंसी होता है मेरा कंपनी में, या भी मतलब कोई जान पहचान कंपनी में, वो बंदों को दुबई में रहना बहुत ज़रूरी है। वो भी कभी होता है मतलब क्या मालूम है, एक वैकेंसी हुआ तो बंदा आ गया, तुरंत उसका जॉब लग गया, तो दूसरे लोग मैसेज किया कि भाई जॉब है, जब तक ऑलरेडी फुल हो चुका होता है। इसलिए आप जब भी आए तो मतलब खुद के भरोसे पाए, खुद से जॉब सर्च करें, बहुत ही ईजी यहाँ से आराम से, अगर आपके पास स्किल है फिर आराम से ईजिली जॉब यहाँ पे मिल जाएगा। और दीपक भाई क्या बोलना चाहते हैं मेरे सब्सक्राइबर को, अगर कोई बंदा अगर न्यू है मेरे चैनल पे, उसको क्या बोलना चाहते हैं? न्यू है तो भाई पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें, जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा आप ही लोगों के लिए प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा कि गलत मतलब कंपनी में। आज हमको लग रहा था मतलब कि कभी लग रहा था ऐसे, हम तो गाड़ी में घूमते मस्ती वाला लाइफ है, तो हम सोच रहे थे कभी साला मेरे साथ कुछ तो गलत मतलब क्या। फिर जब कंस्ट्रक्शन वाला लोग को देखते हैं भाई, कंस्ट्रक्शन लाइन में तो जाना ही मत, कोई भी बंदा रहना, कोई कंस्ट्रक्शन लाइन में बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, इतना मुश्किल होता है, जब देखे ना वो लोग देखते हैं ना, थका हुआ रहता है शरीर, बहुत खटने होता है। हम लोग जो बंदा वो कुछ हुनर सीख के आओ, अगर दुबई आते हो तो टेक्नोलॉजी नॉलेज कुछ सीख के आओ, वो अच्छा रहेगा, ऐसे मतलब बेकार है दुबई उसके लिए। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, और दोस्तों लोग में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और जितना भी आप ग्रुप में है सबको शेयर करें जो भी दुबई आना चाह रहे हैं, अहमद भाई से कॉन्टैक्ट करें। और अगर कोई भी अगर कोई मतलब जहाँ तक हमसे होगा ना, मैं हेल्प कर दूंगा आप लोगों को, जो भी आप दुबई आ रहे हैं, जो भी गाइड होता है तो पूरा मैं आपको गाइड करूंगा, कैसे यहाँ पर क्या करना है, रूम लेना है, जॉब वगैरह सर्च करना है, पूरा हम गाइड कर देंगे, जहाँ तक हमसे होगा पूरा हम गाइड कर देंगे। बाकी अपना खुद का स्किल यहाँ पर लेकर आएँ, और दोस्तों लोग में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करें। खुदा हाफिज़।